नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध पक्ष को सबसे अच्छा समय माना जाता है। श्राद्ध में धूप दान, तर्पण, पिंड दान और ब्राह्मण भोज से पितरों को तृप्ति मिलती है। अगर आप श्राद्ध या पितृ दोष की शांति नहीं करा पा रहे हैं, भागवत गीता के पाठ से भी पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। गीता का वह ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो पितृ पक्ष के 16 दिनों में गीता के 7वें अध्याय का अधिक से अधिक बार श्रवण अवश्य करें। गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य बताते हुए स्वयं भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम राज्य है, जिसका गोपुर बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन ही किया। वह धनोपार्जन में तत्पर हो राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना 4था विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटने से ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा न की जा सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना से बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करने का सोचा। मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े ही विस्मय से एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला। जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी की खुदाई आरंभ की। तब वह बाबी से बड़ा भयंकर सर्प प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, यह बिल क्यों खोद रहा है, किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ एक सुवर्ण लेने के कौतुक से आया हूँ। पुत्र की ये वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वदा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वयसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े अपने पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार तथा इससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने
अपने सर्व शरीर का त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिरों के लिए भी उस धन का उपयोग किया और अन्य शाला भी बनवाए। तत्पश्चात सातवें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें सातवें अध्याय का महात्म्य बताया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अब गीता का सातवां अध्याय सुनते हैं। ज्ञान विज्ञान योग से श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाले और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुनो। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको सुनकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरे प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश और मन, बुद्धि एवं अहंकार, ऐसे यह आठ प्रकार से विभक्त हुए मेरी प्रकृति है। यह आठ तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहु, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपापरा अर्थात चेतन प्रकृति जान की, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत एवं दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे विभिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में मैं तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में मैं जीव हूँ अर्थात जिससे वे जीते हैं वह तत्व मैं हूँ, तथा तपस्वियों में तप मैं हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बल वालों का बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूँ, और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से ही नहीं जानता। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वह इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थिर हुआ अनन्य प्रेम भक्ति भाव वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थिर है।
बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझे भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, मुझको जन्म ने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुआ सुख दुख आदि द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान वियोग नामक सातवां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।